नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं एम्स रायबरेली रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो एम्स की तरफ से यहाँ रायबरेली के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है, तो आप यहाँ कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, टोटल वैकेंसी यहाँ कितना रखा गया है, वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पर बताएंगे। ये है इसका नोटिफिकेशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर रेजिडेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाला गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं, 131 रखा गया है। यहाँ से आप डिपार्टमेंट का नाम देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं। एनाटॉमी के लिए जो है आपका यहाँ 2 वैकेंसीज है, बायोकेमिस्ट्री के लिए 3 है, कार्डियोलॉजी के लिए 7, कम्युनिटी मेडिसिन के लिए 2 है, CTPS के लिए 5 है, डेंटल के लिए यहाँ 1 रखा गया है, डर्मेटोलॉजी के लिए 2 है, इंडोक्रिनोलॉजी के लिए 4, फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए 3 है। तो वो आप एक एक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारा वैकेंसीज रखा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पे 131 रखा गया है, और यहाँ कैटेगरी वाइज में वैकेंसीज को बांट दिया गया है। जनरल के लिए 30 है, OBC के लिए 45, SC के लिए 24, ST के लिए 14 और EWS कैंडिडेट के लिए 18 रखा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ बताया गया, तो सीनियर रेजिडेंट के लिए अगर आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे MD या फिर MS या फिर DNB का आपको पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए। MD मतलब कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का पढ़ाई, MS मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी का पढ़ाई, या फिर DNB का पढ़ाई किए हुए मतलब डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड का पढ़ाई किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे MCH का अगर आप पढ़ाई किए हुए हैं तो भी यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट जो है यहाँ सीनियर रेजिडेंट के लिए 45 ईयर्स रखा गया है ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पे एज में छूट भी मिलेगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल तक के लिए एज में छूट मिलेगा, OBC से हैं तो आपको 3 साल के लिए यहाँ पे एज में छूट मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 10 साल तक का एज में छूट मिलेगा। पे स्केल जो है पेमेंट आपका बताया गया लेवल 11 का मिलेगा, मिनिमम जो है आपका 67,700 रुपीज़ मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है फॉर्म का दाम कैटेगरी वाइज में यहाँ पे बताया गया, अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपये लिया जाएगा, प्लस GST जोड़ के जो है आपका 1,180 रुपया होगा। SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 800 रुपया लिया जाएगा, प्लस GST जोड़ के 944 रुपया, और PWD कैंडिडेट जो है उन लोगों को यहाँ पे फ़ी नहीं लिया जाएगा। प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन, तो पहला जो है आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा, MCQ बेस्ड रहेगा। 80% जो है आपका मार्क्स रिटर्न एग्जामिनेशन से लिया जाएगा, और 20% मार्क्स जो है आपका डिपार्टमेंटल असेसमेंट से आपका 20% का मार्क्स रहेगा। डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। क्या क्या सर्टिफिकेट है वो आप एक एक करके यहाँ से पढ़ सकते हैं, और जो है नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। तो यहाँ आप देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। ओरिजिनल के साथ साथ आपको फोटोकॉपी भी लेके जाना होगा, एड्रेस प्रूफ के लिए ले जाना है, सर्टिफिकेट लेके जाना है डेट ऑफ बर्थ के लिए, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट ले जाते हैं या फिर 10th का सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, फोटो कॉपीज ऑफ पैन कार्ड का लेके जाना है, बैंक पासबुक का लेके जाना है, और रिसेंट जो है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, आपका 1 महीना या 2 महीना पुराना नहीं, आपका रिसेंट जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो लेके जाना है, 10th 12th का मार्कशीट लेके जाना है, क्वालिफाइंग डिग्री आप जो पास किए हुए MBBS का मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट या फिर MD, MCH या फिर DNB या फिर MS का पढ़ाई किए हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। इंपॉर्टेंट डेट, ये फॉर्म जो है आपका स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है यहाँ फॉर्म भरने का वो 14 जुलाई तक रखा गया है, और यहाँ पर जो है रिटर्न एग्जामिनेशन का डेट बताया गया है 21 जुलाई का रखा गया है। और अगर आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। आने के बाद आपका इस प्रकार से होम पेज खुल जाएगा, होम पेज खुलने के बाद आपको यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ रिक्रूटमेंट मिलेगा, तो रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पर रिक्रूटमेंट पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ से अपना नोटिस जो है चेक कर लेना है, कौन सा नोटिस है जो आपको अप्लाई करना है, तो वो आप एक एक करके यहाँ से चेक कर लीजिए। मान लीजिए हमको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर रेजिडेंट के लिए अप्लाई करना है, तो नीचे यहाँ अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पेज यहाँ खुलेगा, तो नेक्स्ट पेज पर आपको आना है, इस तरह का पेज खुल जाएगा, लॉगिन पेज, आपको नीचे आके यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज यहाँ रजिस्टर पेज खुलेगा, तो आपको यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है और रजिस्टर कर लेना है।
रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए, तो जल्द से जल्द जाके यहाँ ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।